ओके चलो देखते हैं। तो पहला मैंने क्या किया है कि लास्ट क्लास में हमने सीरीज पैरेलल पढ़ा था। जब सीरीज पैरेलल पढ़ा था तो हमने क्या किया है कि आपको एक रिकॉल करवाया है। रिकॉल क्या करवाया है कि आप खुद देखो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास है, आपके पास सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपके पास, आप इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सीरीज सीरीज में क्या क्या होता था, सीरीज में अगर याद होगा आपको तो सीरीज में आपका करंट सेम होता था। अगर याद हो सबको सीरीज में क्या होता था, सीरीज में आपका करंट सेम होता था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था। क्लियर है सबको? हमने लास्ट क्लास में सीरीज का सर्किट देखा था एंड टू एंड कनेक्शन। पैरेलल में क्या होता था, दो पॉइंट के बीच में सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। क्लियर है? याद करिए, सीरीज में करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिवाइडेड रहता है। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। I इक्वल्स टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है? हमने डेरिवेशन याद होगा, डेरिवेशन क्या पढ़ा था, R इक्विवेलेंट क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या होता था, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सबको क्लियर है? हमने ये भी पढ़ा था कि RS जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल सकता है हमको सीरीज में, वो क्या मिल सकता है हमको, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर आपको किसी रेजिस्टेंस से मैक्सिमम निकालना है तो हमेशा कोशिश करते हैं हम लोग कि उसको सीरीज में कनेक्ट करें, और अगर अपने को मिनिमम चाहिए, अगर अपने को इसमें मिनिमम चाहिए तो मिनिमम जब चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। क्लियर है सबको? यही आपका था सीरीज एंड पैरेलल। होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं अपन। चैट में बताओ, शुड वी मूव अहेड? ग्रेट, चलिए ओके अंशु, आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ठीक है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया है, देखते हैं कितने लोगों से जल्दी से बनता है। और इस तरह क्वेश्चन ने क्लास में भी किया था लास्ट टाइम। आई एम नॉट ओपनिंग पोल, मुझे इसका आंसर जल्दी चाहिए आप लोगों से। ग्रेट, कुछ आंसर्स आ भी गए हैं। अमन, अमन नहीं, अमन ध्यान दो एक बार फिर से। आगे बिल्कुल सही है, प्रियंका बिल्कुल सही है, अंशु 100% करेक्ट, अनुराग 100% करेक्ट, मिदावी सही है, बिल्कुल बिल्कुल लुक्स फाइन। लेकिन मुझे आंसर बाकियों के भी चाहिए, उसी गलत है, थोड़ा ध्यान दें आप। ठीक है, नहीं निखिल थोड़ा ध्यान दो। गड़बड़ है आशीष, नहीं गड़बड़ है, वेरीफाई वेरीफाई करो। आयुषी नहीं, गड़बड़ है। तो आखिर अपने पास क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो भी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू दी गई है 1/5 ओम, 1/5 ओम। क्लियर है? और अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है, बिल्कुल सही है अमन, बिल्कुल सही है, सुधर गया, ठीक है श्रेय बिल्कुल सही है, गुड आशीष, आशीष दैट्स फाइन, अब आशीष सही है आपका। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, 1/5 ओम, और बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए पांच रेजिस्टेंस। मैक्सिमम कब होगा, जब आप इनको क्या लगाओगे, सीरीज में। तो सीरीज में लगाओगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा कुछ R1 प्लस R2 अप टू ऐसे, यानी क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स R हो जाएगा। 5 इंटू 1 का वैल्यू कितना है, कितना हो गया, 5 है, 1/5 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा। क्लियर है क्या?
सबको क्लियर है फाइनल आंसर क्या होगा? वन ओम. अपन आगे बढ़ते हैं, किसी का चैट अनम्यूट रह गया. ग्रेट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है. अगला क्वेश्चन करते हैं सीरीज पैरेलल पे ही. सब लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को. ये मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में आए हैं करंटली. इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करें इसको. सब लोग जल्दी ट्राई करते हैं. तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दिए गए हैं. पहला क्वेश्चन है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस. आपको पता है सबसे पहला काम तो इसमें आर इक्विवेलेंट निकालिए, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है. फर्स्ट कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट. जल्दी सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप इसमें मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ. थर्ड क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए आपका. आर कितना होगा? कितना आंसर आर इक्विवेलेंट? चैट में मुझे बताओ, चैट में आपके पास रिप्लाई आए हैं कुछ कुछ. सबसे पहला आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का आंसर आया है 30 ohms. काफी आंसर आ चुके हैं. सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं. आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? कई लोगों का आंसर आया है आर इक्विवेलेंट को लेकर 3 ohm. मोदी का 3 ohm आया. देख लेते हैं कितना होगा. ठीक है, देखते हैं. 1 by R equivalent equals to 1 by 5. LCM kitna hoga? 36. So, R equivalent की वैल्यू आ गई है 3 ohm. सही है क्या? R equivalent का वैल्यू आया है 3 ohm. R equivalent अगर आपका 3 ohm आ चुका है, अगर आपका R equivalent 3 ohm है, तो आप आसानी से आप निकाल सकते हो I. आप आसानी से निकाल सकते हो I.
आई क्या होता है, वी अपॉन आर इक्वेलेंट। ये आई क्या होता है, थ्रू बैटरी। ये आई आपने निकाला थ्रू बैटरी। आई आ गया वी बाई आर इक्वेलेंट, तो वी बाई आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। वी अपना 12 वोल्ट, आर इक्वेलेंट 3 था, सो करंट कितना आ गया टोटल, क्या गया, क्या क्या टोटल करंट आ चुका है, क्या फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट आ चुका है। नाउ आपको बताना है तीनों वायर के थ्रू करंट, आर वन के थ्रू, आर टू के थ्रू और आर थ्री के थ्रू, करंट तीनों के थ्रू बताना है। याद करिए मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का अगर कभी आ जाए तो करंट का डिवीजन कैसे करते हैं, कोई किसी को याद है क्या, हाउ टू डिवाइड, बताओ हाउ टू डिवाइड करंट। सर आर वन आर सर अगर आर आई मतलब कि सर आर टू के क्रॉस निकालना है तो सर अपोजिट करके आर वन अपॉन आर टू प्लस आर वन इनटू आई कर देते हैं। क्या कुछ ऐसा बताया था क्या, आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री इक्वल्स टू वन बाई आर वन इज टू वन बाई आर टू इज टू वन बाई आर थ्री। याद रखिएगा जब कभी भी पैरेलल में करंट डिवाइड करना हो तो 1 बाय i1 इक्वल्स टू 1 बाय i1 इज टू i2 इज टू i3 इक्वल्स टू लिख सकते हो 1 बाय r1 इज टू 1 बाय r2 इज टू 1 बाय r3। दैट द वे टू डिवाइड करंट इन पैरेलल। अगर दो या दो से ज्यादा अगर आ जाए कभी पैरेलल में तो उस केस में करंट कैसे डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो i1 इज टू i2 इज टू i3 होगा क्या, देखते हैं। 1 बाय r1, r1 कितना था अपने पास, r1 था 1 बाय 5 इज टू 1 बाय 10 इज टू 1 बाय 30। बेस्ट काम करो सबके LCM से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, 10 3 जा 30 इज टू 1। रेशियो जो हो गया वो हो गया 6 इज टू 3 इज टू 1। तो आप i1 को क्या कह सकते हो, आप i1 को कह सकते हो इट्स 6x। I2 को क्या कह सकते हो आप 3x। I3 को आप क्या कह सकते हो x। अगर इतना आपको अगर पता चल गया है तो क्या आप नहीं लिख सकते हो क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 4, क्लियर है क्या। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 4। I1 कितना है 6 टू 3x प्लस 9x कितना हो जाएगा 10x। 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 4, तो x कितना हो गया 0.4। इज इट फाइन क्या, x की वैल्यू आ गई 0.4, क्लियर है। अगर x 0.4 आ गया तो क्या I1 I2 I3 नहीं निकाल लोगे। सबका आंसर बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ यू का लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, पर क्या सबको आया समझ में। यस क्या आई वन लिख सकते हो क्या 6 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा क्या। आई टू कितना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा क्या। क्या आई थ्री क्या हो जाएगा 0.4 एम्पियर हो जाएगा क्या। अंश 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 अनम्यूट करो अपने को, पूछो क्या डाउट है सर। बी नंबर कैसे बनाए सर, नहीं समझ रहा है। बी नंबर बोले तो ये करंट थ्रू इच टोटल करंट अंश सर। यस सर अंश, टोटल करंट तो अपने को सिंपल आई इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है, वो तो अब हमें आराम से आर इक्विवेलेंट आ चुका है तो करंट थ्रू द टोटल करंट तो आपको निकल ही जाएगा। मैंने टोटल करंट निकाला नहीं था, मैंने टोटल करंट तो यही निकाल लिया था। अगर मेरे पास आर इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया था तो मेरे पास टोटल करंट निकालना कौन सी बड़ी बात, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्लियर है क्या। यस सर। सर ए पार्ट वन प्रियंका मैं बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा नया है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद कभी भी आपको करंट डिवाइड करने को आए ना, कभी भी करंट डिवाइड करने को आए तो हमेशा याद रखना कि करंट डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं होता है। आपको मान लो दो तीन वायर पैरेलल में, आपको बताना है किसमें कितना करंट होगा, हमेशा लिखिएगा आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री इक्वल्स टू वन बाई आर वन इज टू वन बाई आर टू इज टू वन बाई आर थ्री। या चार हो तो चार में भी रेशियो ले सकते हैं,
क्लियर है, यानी करंट का रेशियो इनवर्सली रिलेटेड टू होता है रेजिस्टेंस। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम आएगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगा, सिंपल सा रिलेशनशिप है। क्लियर है? तो अगर इस केस में मेरा 1/R1:1/R2:1/R3 का रेशियो कितना है, मेरा रेशियो 1/5:1/10:1/30। अगर इसको गौर से देखें हम लोग थोड़ा सा, तो ये इसको एलसीएम ले लोगे तो सबको क्या करोगे, एलसीएम क्या होगा, 30 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस्ट उपाय। तो क्या हो जाएगा, सिक्स 3:1। अब कोई चीज अगर मान लेते हैं 4 एम्पियर का टोटल करंट आ रहा है और ये 6:3:1 में डिवाइडेड है, 6:3:1 में अगर डिवाइडेड है, तो अपने क्या करना है, इसको 6x मान लेना है, इसको 3x मान लेना है और इसको x मान लेना है। ठीक है, तीनों का सम कर देना है, तीनों का सम करके इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4। क्लियर है क्या प्रियंका, आगे बढ़े अपन, प्रियंका आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आ गया? ओके प्रियंका, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। चलो सब लोग इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल का। सब लोग क्वेश्चन को देखिए, ओके अमन, चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए मैं थोड़ा स्क्रीन को और दिखा देता हूं, सिंपल याद रखिएगा 10:40 है, 30:20:60 है, या आप इससे क्वेश्चन को बनाओ, मैं जब सॉल्व करूंगा तब उसको यूज करूंगा। चलो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, याद रखिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये भी होगा कि हर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालिए, फाइंड करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस भी है थर्ड पार्ट इसका, जो आपके उसमें क्वेश्चन में नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई का ही क्वेश्चन है जो आया है 10th में। ग्रेट, पहला आंसर आ चुका है मेरे पास, अमन ने दिया है, अमन और अज्ञा ने, पर दोनों का आंसर अलग अलग है, देखते हैं किसका सही है। सर तीसरा क्या क्वेश्चन था सर, सारे रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। चलिए
सबसे पहला काम करंट आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। अंशु मेरे पास काफी आंसर्स आए हैं, अमन 18, प्रियंका 18, आर इक्विवेलेंट 18 ओम कई लोगों ने बोला है, देखते हैं। सर आर टू 40 होगा, आर टू 40 होगा, सॉरी 40, क्लियर है। सबसे पहले ना अपन आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं, 10-40 पैरेलल में है कितना होगा, सबको पता है इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 8 ओम आया क्या सबको? अब चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, 8 ओम आया क्या? बढ़िया, देखते हैं आ गया, देखते हैं 8 ओम। और 30-20-60 का देखते हैं, 30-20-60 का कितना होगा, 1/30+1/20+1/60 इक्वल्स टू एलसीएम 60, 30 × 2 2+3+1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/10, यानी इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 ओम। तो ये 8 ओम और 10 ओम क्या है सीरीज में, तो फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट्स 18 ओम। क्लियर है क्या सबको, 10+8 कितना हो गया, 18 ओम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पहला आर इक्विवेलेंट, दूसरा था टोटल करंट। टोटल करंट तो बहुत इजी है, टोटल करंट में अपने को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, आई वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी कितना है 12, आर इक्विवेलेंट कितना है 10, कितना हो गया 1.2 एम्पियर। क्लियर है, यानी बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, 1.2 एम्पियर। सबको क्लियर है क्या? यस सर। मेधावी इज आस्किंग सर व्हाई नॉट 1/8+1/10। मेधावी 8 और 10 जो है ना ये सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। जब सीरीज में है तो कभी भी आप उसको 1/8+1/10 कैसे लिख सकते हो मेधावी, इट्स नॉट इन पैरेलल, इट्स इन सीरीज। क्लियर है, सो आई आ गया 0.6, अमन 0.67 कैसे आएगा, तो 1.2 एम्पियर आ गया। आर इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 10 ओम और हमारे पास वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो हमारे पास करंट कितना हो गया 1.2 एम्पियर। क्लियर है क्या अमन, अमन प्लीज सी क्या डाउट है? यस सर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पार्ट जो था अपना सबसे, हाँ बोलिए सर। लेकिन टोटल जो रेजिस्टेंस था सर वो तो 18 था। ओके सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ 18 ही है, 18 ही है, बिल्कुल 18 है, बिल्कुल 18 ही है, 1.2 नहीं होगा, बिल्कुल 18 है, ठीक है, बिल्कुल 18 है, बिल्कुल 18 है। और ये 12 बाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 12/18 कितना होगा, 2/3 या कह सकते हैं 0.67 एम्पियर। क्लियर है क्या? यस सर। सही है मैन, बिल्कुल सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर फाइव को एक साथ नहीं, एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता योशी, बिल्कुल दोनों अलग अलग सर्किट है। अब मेरे पास करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस है, तो मैं सबसे पहले तो यहां पे देखता हूं कि मेरे पास जो करंट आ रहा है यहां पे कितना आ रहा है। मेरे पास करंट आ रहा है कुल मिला के 2/3 एम्पियर। मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, कैसे डिवाइड होगा, तो मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस क्या होगा, I1 होगा और इसके अक्रॉस कितना होगा, I2
टू होगा, दोनों रेजिस्टेंस से करंट क्या होगा, आई वन इज टू आई टू होगा। तो मैंने क्या किया, आई वन इज टू आई टू, आई वन इज टू आई टू क्या होगा, वन बाई आर वन इज टू वन बाई आर टू। क्लियर है, आई वन इज टू आई टू इक्वल्स टू वन बाई आर वन इज टू वन बाई आर टू। आई वन इज टू आई टू अपने को देखना है क्या होगा, वन बाई आर वन कितना होगा, अपने पास आर वन गौर से देखिए क्या है, गौर से देखिए अपने पास तो आर वन कितना था, आर वन था 10 और ये दूसरा था 40, ठीक है, 10 इस टू वन बाई 40। हमेशा एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, क्या ये रेशियो 4:1 हो जा रहा है क्या, सब लोग क्या ये रेशियो 4:1 हो जाएगा क्या, जब 4:1 हो जाएगा तो आई वन को क्या लिख सकते हैं 4x और आई टू क्या लिख सकते हैं x, एक हो गया 4x दूसरा हो गया x, दोनों का सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 2/3 एम्पियर। तो 5x इक्वल्स टू 2/3 एम्पियर। क्या आप x निकल जाएगा क्या, सब लोग क्या आप x कैलकुलेट कर लोगे, यस सर, और x कैलकुलेट अगर अपने पास हो जाएगा तो हम भी जानते हैं कि हम आई वन भी निकाल लेंगे और आई टू भी। इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू, यस सर, ग्रेट। चैट में बताओ किसी को दिक्कत है तो, किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ, चलिए आई थिंक जस्ट किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अंश रे फाइन, किसी को दिक्कत होगी तो लास्ट में पूछना। अब यही काम हमें नीचे के तीनों रेजिस्टेंस में करना होगा, नीचे के तीनों रेजिस्टेंस फिर से 1/R1 = 1/R2 = 1/R3। जो करंट आ रहा है उसको तीन पार्ट दो पार्ट में डिवाइड करना हो तो बेस्ट तरीका क्या है, I1 = I2 = I3 = 1/R1 = 1/R2 + 1/R3। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, तो ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो हमने क्या देखा कि एक करंट कैरिंग वायर में होता क्या है कि जब उसमें करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर ना कुछ हीटिंग प्रोड्यूस होती है। अब आपका मन में सवाल होता है क्यों हीटिंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, दे आर विद हाई काइनेटिक एनर्जी, और वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या बाउंड्री ऑफ द वॉल से कोलाइड करते हैं और कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जो हीट के फॉर्म में निकलता है। क्लियर है, अगर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं इसको, तो मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है कोई, और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो रैंडम मोशन मूव कर रहा है, तो जब कभी वो वॉल ऑफ द सरफेस से कभी भी टकराएगा या किसी न्यूक्लियस से टकराएगा तो अपनी कुछ एनर्जी को वो क्या कर देगा, वो ट्रांसफर कर देगा, और इसी ट्रांसफर्ड एनर्जी की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसी इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को हम लोग फील भी करते हैं और ऑब्जर्व, और हम लोग इसका यूज भी करते हैं। फील कभी कभी आपने देखा होगा, कभी लैपटॉप पे चार्ज किया है, कभी देखा है फोन चार्ज करते, कभी फोन गर्म हुआ है कभी, सब लोग से यस, यस सर, फोन मेधावी, चलिए मेधावी एक सेकंड, जब क्या रिपीट करने के लिए बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रही, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ओके ओके, चलो बढ़िया। चलिए तो हम बात करते हैं आगे, तो मैंने कहा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये ऐसी चीज नहीं है जो आप पहली बार नाम सुन रहे हो, आप पहले इसको ऑब्जर्व कर चुके हो। जिससे आयरन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या हीट में कन्वर्ट करते हैं, और उसका हम लोग यूज करते हैं माइक्रोवेव, टोस्टर, इन सब केसेस में आप क्या देखते हो, इन सब केसेस में एक्चुअली क्या होता है कि हम एक इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट है क्या, तो होता क्या है कि जब एक कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो उसमें करंट का फ्लो शुरू होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से ऑक्सीलेट करते हैं और वो डिफरेंट न्यूक्लियस से कई लाखों मिलियन ऑफ बिलियन कोलिजन्स करते हैं,
हर एक कोलिजन पे एक्चुअल क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, वो न्यूक्लियस एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी को वो हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। क्लियर है? इसी को कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है सबको? क्या? यस सर। क्लियर है? So, एक करंट कैरिंग वायर या एक वायर थ्रू कभी करंट फ्लो करता है तो हमेशा उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। अब सवाल आता है कितना होता है सवाल, और इसका कैसे यूज करते हैं? कैसे यूज करते हैं मैंने बता दिया, आयरन में यूज करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। पर कितना हीटिंग इफेक्ट होगा इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कभी भी आप करंट को पास कराओगे तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो पावर ऑफ हीटिंग, पावर का मतलब क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, तो पावर ऑफ हीटिंग जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ करंट। यानी अगर मान लीजिए, सिंपल समझिए, मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है, किसी भी तरह कंडक्टर है, क्लियर है, और इस कंडक्टर के थ्रू अगर आपने क्या किया, आपने इसके थ्रू करंट पास कराया, जब करंट पास कराओगे तो इसके अंदर जो हीटिंग इफेक्ट होगा यानी पावर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर है क्या? यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। क्लियर है? तो सबके मन में एक सवाल आना चाहिए कि अच्छा पावर को लिखेंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, कितना होगा? पावर इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? के टाइम्स आई स्क्वायर आर। क्लियर है क्या सबको? क्या हम लोग लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू के इंटू आई स्क्वायर आर? तो हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो के का वैल्यू आ रहा है एक्सपेरिमेंटली, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्या हम कह सकते हैं कि पावर का फॉर्मूला कितना हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर। सबको क्लियर है क्या? किसी भी एक कंडक्टर के थ्रू अगर आपको पावर ऑफ हीट कंजम्पशन निकालना है या हीट यानी हीटिंग इफेक्ट निकालना है तो कितना होगा, आई स्क्वायर आर। क्या याद रहेगा सबको? आयुषी वंस मोर बोला था आपने, कुछ डाउट है क्या इसमें? राघवेंद्र, के जो होता है वो होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हर रिलेशनशिप में आता है, कहीं भी प्रोपोर्शनल होता है कोई चीज तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो P इक्वल्स टू कितना हो गया, आई स्क्वायर आर। क्लियर है क्या सर? ये हीटिंग इफेक्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? बिल्कुल, चलो मैं बिल्कुल मेधावी, बिल्कुल अनुराग, ये हीटिंग इफेक्ट थ्रू अ कंडक्टिंग वायर निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है? अब मैं हीटिंग इफेक्ट को जल्दी पावर के टर्म से मेजर कर रहा हूँ। खैर आयुषी आपने कहा, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ या मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, देखते हैं ठीक है। मैं ऐसे बताता हूँ कि मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है अपने पास और इसके थ्रू क्या हो रहा है, करंट पास कर रहा है, करंट कैरिंग वायर है और इसके थ्रू हम क्या देख रहे हैं, करंट क्या हो रहा है अपना, पास कर रहा है, ठीक है, करंट पास कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप भी जानते हो कि किसी भी वायर में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा कोलिजन्स होगा। रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या, करंट फ्लो में रुकावट। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे और उतना ही ज्यादा पावर डेवलप होगा। तो क्या सीधा सीधा जूल ने जो कहा है कि पावर, हीटिंग पावर प्रोड्यूस्ड थ्रू किसी भी वायर, कोई भी रैंडम वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो कोई गलत है क्या इसमें? आयुषी क्लियर है क्या? श्रेया यू आस्क्ड वन मोर टाइम, समझ में आया क्या? ठीक है श्रेया एंड आयुषी, यू बोथ हैड डाउट सर। हाँ सर, पी इसमें पावर ना है? पी पावर है, बिल्कुल ओके सर। एक सेकंड देखे ना, मैंने लिखा है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट पावर ऑफ हीटिंग, क्लियर है, पावर ऑफ हीटिंग,
सब लोग पी बोले तो पावर, क्लियर है? एक काम करता हूं, मैं आपको इस स्टेटमेंट के बजाय वो स्टेटमेंट बताता हूं जो एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है? इसको आप भूल जाए थोड़ा देर के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको एक मिनट रिलैक्स रखना है बस के लिए, ठीक है? सिंपल, एनसीईआरटी में क्या दिया, मैं नोट्स में भी वही लिखूंगा। एनसीईआरटी में बोला है कि मान लीजिए अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए अगर एक कंडक्टर है, मान लेते एक कंडक्टर है अपने पास, इसके थ्रू मान लेते आई करंट पास कर रहा है, आर रेजिस्टेंस है, और मान लेते हैं टी टाइम तक पास कर रहा है, क्लियर है? मान लेते हैं टी टाइम तक पास कर रहा है, तो जो हीट डेवलप उस वायर में, उस आई, उस छोटे से वायर में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, क्लियर है? जो हीट प्रोड्यूस होगा, एच बोले तो हीट, हीट हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I square, square of current passing through it, और जो heat produce होगा वो directly proportional to क्या होगा, time through which वो current उसमें pass कर रहा है, जितना ज्यादा current देर तक current pass करेगा उतना ही ज्यादा heat developed होगा, clear है? तो क्या अपन final relationship लिख सकते हैं क्या, H directly proportional to I square R T, बोलिए सब लोग क्या लिख सकते हैं क्या, हीट प्रोड्यूस थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। तो क्या यहां पे कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आ जाएगा, क्लियर है क्या? कितना आ गया, एच इक्वल्स टू के टाइम्स आई स्क्वायर आर टी। के का जो वैल्यू आया एक्सपेरिमेंटली वो वैल्यू कितना आया, वन। तो हम कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, क्लियर है क्या? Heat produced equals to I square R T. I square R T. क्या सबको क्लियर क्या? सर बोलिए। सर सर हम इसमें कह सर जरूरी है कि सर K हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, K एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है और K हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी, वन, क्लियर है? इस केस का जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसकी वैल्यू क्या है, वन, क्लियर है? अमन, एनीवन एल्स, कोई और कुछ पूछना चाहता है क्या? सर हाँ पूछिए। सर जैसे सर इंसुलेटर जो होते हैं सर वो बैड कंडक्टर से उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते सर हीट के, तो जैसे सर अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, अगर हीट होता है तो सर वायर जो होता है वो गर्म क्यों हो जाता है सर? नहीं इंसुलेटर की बात, सर इंसुलेटर्स क्योंकि सर जो वायर होते हैं सर उसके बाहर जो सर प्लास्टिक वो लगा रहता है ना सर। नहीं नहीं वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग सीन है, अलग सीन, मैं समझा रहा हूं, ठीक है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, मैं उसको समझा रहा हूं। आपका क्वेश्चन है कि एक वायर रहता है और उसके ऊपर का जो इंसुलेशन होता है वो कैसे गर्म हो जाता है, वो अलग बात है। सिंपल सी बात है कि पहले वायर हीटिंग इफेक्ट की वजह से गर्म होता है, और जो हीट होता है वो इंसुलेटर करंट के लिए है, वो उसका बाहर का सरफेस, वो इंसुलेटर हीट के लिए नहीं है, वो करंट को नहीं फ्लो होने देता है, वो हीट को फ्लो होने देगा, क्लियर है क्या? सिंपल सी बात कह रहा हूं, वायर गर्म होगा तो हीट उसमें फ्लो हो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, क्लियर है क्या? यस सर। चलिए और कोई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में किसी को दिक्कत है क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सिंपल अगर कुछ है तो, अगर कुछ याद रखने की चीज है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से तो वो है ये, यही है जूल्स लॉ में जो हमें दिमाग में रखना है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब हीट का यूनिट क्या होगा, हीट H बोले तो हीट जनरेटेड, हीट का यूनिट जो होगा वो होगा जूल, हीट का यूनिट होगा जूल, या जूट के जूल के अलावा लिख सकते हैं वॉट सेकेंड, जूल या वॉट सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड, ये दो यूनिट्स हो सकते हैं हमारे हीट प्रोड्यूस के, क्लियर है क्या? हीट प्रोड्यूस के दो यूनिट जूल और वॉट सेकेंड। वहीं से टर्म आता है पावर, पावर क्या होता है, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो, पावर क्या होता है, रेट ऑफ हीट जनरेशन। तो पावर कोई पूछता है तो कुछ नहीं करते हैं, हीट अपॉन टाइम, तो कितना फॉर्मूला बन गया, आई स्क्वायर आर, क्लियर है क्या? पावर की वैल्यू कितनी हो गई, आई स्क्वायर आर, और हीट का वैल्यू कितना हो गया, हीट का वैल्यू हो गया आई स्क्वायर आर टी। क्या क्लियर है क्या सबको,
Is it fine to all of you? सब लोग क्या सबको क्लियर है? हाँ बोलिए सर. पावर तो सर रेट ऑफ डूइंग वर्क ना होगा सर. रेट ऑफ डूइंग वर्क भी हो सकता है, रेट ऑफ हीट जनरेशन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन केस. पावर रेट ऑफ एनर्जी फ्लो होता है, सीधा सीधा क्लियर है? तो इस इलेक्ट्रिसिटी में जब पावर की डेफिनेशन दोगे तो सिंपल कहोगे इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट बाय द इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर है? तो हमारे पास कुल मिला के अगर रिको हाँ बोलिए सर, हम कह सकते हैं क्या कि सर पावर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट? नहीं कह सकते हो कि पावर एक्चुअली क्या, ऑब्वियसली कह सकते हो जितना ज्यादा हीट होगा उतना ही ज्यादा पावर होगा, ठीक है ना? लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना ठीक नहीं है. पावर सिंपली क्या है, अगर मैं बोलूं पावर क्या है तो पावर को सीधा सीधा कह सकते हैं हम लोग, पावर को सीधा सीधा कह सकते हैं हम लोग कि हीट अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पावर. कभी कहते हो क्या कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होता है? मुझे बताओ कभी कहते हो क्या कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट? नहीं, वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सेम उसी तरीके से पावर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. क्लियर है सबको? क्लियर है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सबको समझ में आ गया क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम थ्रू विच करंट पासेस पास. क्लियर है? तीन चीजें सबको क्लियर है? से यस ऑन चैट, तब हम आगे बढ़ सकते हैं. और एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इस साल क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में. मैं चाहता तो टॉपिक पढ़ा के क्वेश्चन देता लेकिन इस साल बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? सर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? ऑप्शन में आप चैट में डाल सकते हैं. अमन हैज रेज हैंड. अमन कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. वो गलती से सर चैट पे के बदले राइज हैंड हो गया था. कोई बात नहीं, ग्रुप पे डालते हैं. मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग अच्छा एक आंसर आया है, वीआई भी आया है, निखिल राज बिल्कुल सही है. देखते हैं पावर इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है आई स्क्वायर आर, ठीक है क्लियर है? आई स्क्वायर आर को और क्या लिख सकते हो? तो क्या आई इंटू लिख सकते हो? क्या आई आर लिख सकते हो? क्या तो क्या पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? आई आर को क्या लिख सकते हो? वी इंटू आई. याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई. याद रखिएगा कभी बैटरी से क्वेश्चन पूछता है तो पावर सप्लाइड equals by battery equals to होता है V into I. clear है? याद रहेगा. तो बैट पावर का फॉर्मूला एक और हो गया V into I, यानी ये भी सही है और ये भी सही है. तीसरा देखते हैं, V को I को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पावर को हम लोग लिख सकते हैं V into I. I को क्या लिख सकते हैं? V upon R लिख सकते हैं क्या? तो पावर का फॉर्मूला कितना हो गया? V स्क्वायर अपॉन आर. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर. क्लियर है क्या सबको? तो आपके पास ये फॉर्मूला भी सही है, तो सिर्फ गलत कौन सा है? ये. इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? पावर के कुल तीन फॉर्मूले होंगे अपने पास. पावर का सबसे पहला फॉर्मूला जो, हाँ पावर का फॉर्मूला होगा वो होगा आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू, दूसरा होगा V इंटू आई, तीसरा होगा V स्क्वायर अपॉन R. तीन फॉर्मूले यूज होंगे सबसे ज्यादा. सबको क्लियर है क्या? सबको इलेक्ट्रिक पावर क्लियर है? इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट किसी ने पूछा था, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट जो होता है वो होता है जूल पर सेकेंड.
और वॉट। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का अगर कोई यूनिट पूछे आपसे तो बोलिएगा जूल पर सेकेंड, हीट अपॉन टाइम है, और वॉट भी कहते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है, होता है वॉट। इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको बात समझ में आ चुकी है? यस सर। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर, सिंपल क्वेश्चन है। Hoping for a quick reply. किसका आंसर आया क्या? हमारे पास एक आंसर आ चुका है, दो तीन आंसर आ चुके हैं। पावर 1250 वॉट, देखते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो कैलकुलेशन में। क्या सबको क्लियर है? क्या कितना आ रहा है? 1.25 आ रहा है क्या? अमन बिल्कुल सही है। नवनीत थोड़ा देख लो एक बार। पावर 500 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 500/1000, 1.25 वॉट। क्या सबको क्लियर है? क्या कोई बात नहीं, मैं अभी टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। आयुषी नहीं आया, कोई बात नहीं। सब लोग, आपके पास दो चीज भी अगर आपको दे दी गई है तो भी आपको तीसरा चीज कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पावर कैलकुलेट कर सकते हो। नवनीत देख लो एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। पहले उन्होंने सही भी सॉल्व किया है, लेकिन आपने देखा एक लैंप है जिसके इतना करंट है और इतना वोल्टेज है, किसी भी डिवाइस के थ्रू आपको वोल्टेज दे दिया गया है, कुछ वोल्टेज दिया गया 2.5 वोल्ट, और आपके पास करंट है
आई, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी इंटू आई. वी कितना है? सिंपल. क्लियर है क्या? 1.25 वॉट. अंशु अभी भी 12.5 वॉट आ रहा है, कहीं ना कहीं गलती तो है. ठीक है अंशु, बिल्कुल सही है. अदर्स, श्रेय, 12.5 वॉट. सर 1 मिनट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 60 सेकंड को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते करेंगे? हीट में ना, पावर की बात हो रही है अभी. वो हीट में करेंगे सर. बिल्कुल. क्या फॉर्मूला याद करो थोड़ा सा. यस सर. हीट का फॉर्मूला क्या होता था? पावर इंटू टाइम. याद है हीट का वैल्यू क्या होता था? पावर इंटू टाइम. या हीट के, हीट अगर पावर इंटू टाइम होता है तो अपने पास पावर कितना आ चुका है? 1.25 इंटू टाइम कितना बोल रहा है? 60 सेकेंड्स. सही है क्या? कितना हो जाएगा? 12.5 6 75 वॉट. क्लियर है क्या? 75 वॉट. सबको क्लियर है क्या? वो सॉरी, हीट पूछ रहा है वॉट इंटू सेकेंड, क्योंकि आपने क्या क्या पावर वॉट में लिया और टाइम क्या लिया है? सेकेंड में. तो वॉट इंटू सेकेंड को हम लोग जूल भी कह सकते हैं. वॉट इंटू सेकेंड को हम लोग क्या कह सकते हैं? जूल. क्लियर है क्या? 75 वॉट सेकेंड या 75 जूल. क्लियर है? हीट और पावर दोनों क्लियर है. पूछिए सर. 75 जूल होगा या फिर 75 जूल पर सेकंड होगा? जूल होगा. आप हीट निकाल रहे हो ना. अच्छा हाँ, 60 सेकंड से मल्टीप्लाइड हो चुका है, मल्टीप्लाई किया. क्लियर है? तो आपने हीट जब निकाला तो यूनिट क्या होगा? जूल. और पावर निकालोगे तो क्या होगा? वॉट. क्लियर है क्या सब लोग? से यस इफ अंडरस्टूड चैट में बता दो मुझे, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. सर आपने कहा कि सर पावर निकालेंगे तो वॉट होगा और हीट निकालेंगे तो जूल होगा. तो सर इसमें तो पावर ही ना कह रहा है, तो 1.25 वॉट होगा आंसर इसका, फाइनल आंसर. एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड भी तो पूछ रहा है आगे में. नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या गया? नहीं नहीं नहीं, पावर. तो सर इसका फाइनल आंसर 1.25 वॉट ना होगा. क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द पावर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट. पावर पूछा आपने, निकाल लिया फर्स्ट पार्ट 1.25 वॉट. सही है आप पहला पार्ट का आंसर. आपका फर्स्ट पार्ट जो है आपका यहां तक पावर पार्ट यहां तक का वो तो ठीक है, एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मिनट वो भी तो अलग निकालना पड़ेगा. हाँ, तो आपने क्या निकाला? एनर्जी. हाँ क्लियर है क्या? हाँ सर ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज एक नया चीज बताने वाला हूं, पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस. ठीक है, ये ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा यूज करते हो लेकिन आपको कभी कभी इसका मतलब नहीं पता होता है और इसके वजह से हमेशा आप गलती करते हो. तो कोई भी घर के अंदर का इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर आप देखते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर उठा के देखते हो, तो हर डिवाइस में आपको दो चीज क्लियरली मेंशन दिखेगा. ठीक है, एक होता है पावर और दूसरा होता है वोल्ट. कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, आप पावर और वोल्ट उसमें क्लियर कट दिखेगा. याद करिए, आप एक बल्ब को घर में देखिए, पुराना वाला येलो वाला बल्ब, क्या होता था उसका? 220 वोल्ट 100 वॉट. याद है बल्ब? वही येलो वाला 220 वोल्ट 100 वॉट का बल्ब. क्लियर है? घर में अभी जो बल्ब यूज करते हो वो क्या होता है? 220 वोल्ट 25 वॉट. क्लियर है क्या? पहले यूज करते थे 100 वॉट, अब ज्यादा इधर यूज क्या करता है ना, 25 वॉट. सबको क्लियर आ रहा है क्या? पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस. पावर रेटिंग ऑफ अ डिवाइस का मतलब हर एक डिवाइस में एक पावर रेटिंग दी जाती है. एक वोल्टेज होता है और एक वॉट होता है. क्लियर है? ये वोल्टेज वॉट का हमको क्या पता? तो क्वेश्चन कहता है पावर रेटिंग, हमेशा पावर रेटिंग का मतलब होता है कि अगर उस डिवाइस के अक्रॉस आप 220 वोल्ट लगाओगे वोल्टेज, तो 100 वॉट का पावर प्रोड्यूस करेगा. पावर प्रोड्यूस्ड, पावर, पावर प्रोड्यूस्ड,
क्लियर है, मतलब कि अगर 220 वोल्ट से कम का वोल्टेज यूज करोगे तो घर में बल्ब का पावर भी क्या प्रोड्यूस होगा, कम। गौर से देखो, याद करो, नॉर्मल केस में बल्ब अच्छा जलता है, अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो बल्ब का इंटेंसिटी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रेटिंग से वो नीचे है। सबको क्लियर आ रहा है क्या? तो एक किसी भी डिवाइस में 220 वोल्ट 100 वाट का मतलब क्या है कि अगर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो 100 वाट का पावर प्रोड्यूस होगा। क्या सबको ये बात क्लियर है? पूरी तरह से क्लियर है क्या? तो मान लेते हैं कि मेरे घर पे एक टीवी है, मान लेते हैं मेरे घर पे एक टीवी है जिसमें लिखा हुआ है 200 वोल्ट एंड 25 वाट पावर, 25 वाट पावर का ही है, मान लेते हैं, ठीक है विश्वास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस दिया गया जैसे कि टीवी, और टीवी में क्या दे रहा है कि 200 वोल्ट और 25 वाट, हर डिवाइस में लिखा होता है वोल्ट और वाट। मतलब क्या है कि अगर टीवी को आप 200 वोल्ट पे अगर चलाओगे तो 25 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, अगर कम वोल्टेज पे चलाओगे तो कम पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर है? तो 200 वोल्ट पे 25 वाट मिलना चाहिए। क्लियर है? अब इससे हमको क्या फायदा होगा? हमको फायदा होगा एक फॉर्मूले से, पावर इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। कभी भी इस तरह का केस मिल जाए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वाला केस मिल जाए, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जैसे ही अगर आपको पावर पता और वोल्टेज पता है, क्या आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल लोगे? क्या आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? क्या आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी, और क्या समझ बन जाएगा ये? क्या आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, मान लेते हैं टीवी का ही रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, टीवी के अंदर कितना रेजिस्टेंस है करंट के फ्लो में, देखते हैं, वी स्क्वायर कितना है, 400 by 25, ठीक है, 1600। क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? 1600 ओम हो गया, कितना हो गया ये, 1600 ओम। सबको ये बात समझ आ रही है क्या? सबको ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी डिवाइस के पावर रेटिंग का क्या मतलब है? अगले दिन इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी ज्यादा करेंगे, लेकिन पावर रेटिंग का क्या मतलब है, समझ में आया क्या? पावर रेटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि इतना वोल्ट पे इतना पावर हमको उससे मिलेगा। क्या सबको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देता हूं, सब लोग इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग कमर्शियल यूनिट पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ क्वेश्चंस करके खत्म करेंगे चैप्टर। नेक्स्ट डे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा क्लास को शॉर्ट कर रहा हूँ, माय हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग, तो आई एम जस्ट नॉट ट्राइंग टू एक्सटेंड इट। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ट्राई टू डू दैट। अगला का आंसर आ चुका है 2.16 × 10⁻¹⁷। देखते हैं क्या, चलिए जल्दी। मैं चाहूंगा कि पहले आप एक दिन में कितना पावर कंज्यूम करेगा वो तो निकाल लें,
हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. बिल्कुल सही है अमन. बिल्कुल सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा गड़बड़ किया हो अमन, थोड़ा सा गलती किया हो जल्दबाजी में. नहीं युविका, आप टोटल निकाल रहे हो क्या? 25.1 किलोवाट आर. थोड़ा सा मुझे इस पे भी, किलोवाट आर में आप लिख रहे हो, अच्छा किलोवाट आर में लिख रहे हो, ठीक है. यू कैन राइट यूनिट्स, यू कैन चूज, आप यूनिट को चूज कर सकते हैं, ठीक है. सिंपल, हीट जो है वो पावर इनटू टाइम है. पावर कितना? टाइम कितना? 2. तो क्यों ना मैं इसको लिख दूं वॉट इनटू आवर. ये भी यूनिट है हीट का. आप लोगों ने, सब लोगों ने, अगर आप जूल की तरफ भागे हो, जूल में निकालने के चक्कर में, मैं सिंपल पावर इनटू टाइम मैंने किया, तो पावर कितना है अपने पास? पावर दिया है 100 वॉट आवर. कितना है? 2. तो मैंने क्या बोला, इतना वॉट आवर कितना हो गया? 200 वॉट. तो टाइम को सर सेकंड्स में चेंज कर दिया, उसके बाद कैलकुलेट. कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है. मैं एक तरीका बता रहा हूं, पावर कितना हो गया वॉट आवर, क्लियर है. इसको अगर किसी ने 30 डेज में किया है, क्लियर है, मैंने बोला था ना कि वॉट सेकंड, वॉट आवर भी एक यूनिट हो सकता है. अगर इसके बारे में अगले दिन और बताऊंगा, कमर्शियल यूनिट जब, तो टोटल हीट कितना हो जाएगा? 30 × 200 वॉट आर, क्लियर है. कितना हो गया? 6000 वॉट आर, क्लियर है. इसको हम लिख सकते हैं 6 kW/h, 6000 वॉट आर को लिख सकते हैं हम लोग 6 kW/h. क्या सबको क्लियर है क्या? इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? ये एक यूनिट, अलग यूनिट में हमने लिखा वॉट आवर, ठीक है, वॉट आवर में लिख दिया हमने, किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कर दिया. तो ये भी एक पावर का यूनिट है. अब जो आपने सॉल्व किया, मैं उस तरीके से भी इसको समझा देता हूं, ठीक है. जैसे आपने सॉल्व किया है, मैं उस तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं. ये तो आप कर ही लोगे, देखते हैं. मैंने बोला पावर, आपने बोला है कितना? 100 वॉट. वॉट बोले तो जूल, जूल पर सेकेंड, क्लियर है. इनटू टाइम, टाइम मतलब 2 hours. कितना टू, एक दिन में कितना हो रहा है? 2 hours. एक आवर में कितना सेकंड होता है? सेकंड में कन्वर्ट 7200 सेकंड होगा सर. 7200 सेकंड हो जाएगा क्या? तो क्या ये 100 जो था वो जूल बाई सेकंड था, और इनटू क्या हो गया? सेकंड हो गया, तो जूल बन गया क्या? तो कितना हो गया? 72 × 1, 2, 3, 4 जूल, क्लियर है क्या? ये आपका हो गया हीट प्रोड्यूस्ड इन अ डे. अगर हाँ बिल्कुल आयुषी, टाइम क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन अपने हिसाब से दे सकता है, और क्वेश्चन पूछा है 30 डेज में, तो डेज में तो फिर 30 से मल्टीप्लाई कर. बल्ब तो सर इसमें 2 घंटा ही ना एक दिन में जल रहा है. बिल्कुल 2 घंटे तो जल रहा है. 72 720,000 कैसे? देखो मैं लिखा हूं 100, ठीक है, 100 वॉट है. इंटू टाइम, दिन में कितने सेकंड? टाइम अगर देखो सेकंड में लिखते हो, 3600 × 2, 7200 मल्टीप्लाई किया है, 2 × 2, 4 ठीक तो लिखा है कैलकुलेशन, ठीक है ना, क्लियर है. 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 डेज का आ जाएगा. सबको क्लियर है? एक तो आसान मेथड क्या है, वॉट आवर में ही रहने दो, उसको दिमागी मत लगाओ, वॉट आवर में ही रहने दो. वो भी एक यूनिट है, यूनिट है एनर्जी का, एनर्जी का वो भी एक यूनिट है. इसके बात करो तो एक तो जूल होता है, वॉट आवर, वॉट वॉट आवर भी कह सकते हैं, किलो वॉट आवर भी कह सकते हैं, क्लियर है क्या? वॉट इनटू सेकंड भी कह सकते हैं, दुनिया भर की यूनिट्स है, क्लियर है. सबको आ गया समझ में? सबको आ गया यहां तक समझ में क्या? वी कैन शट डाउन आवर क्लास टुडे. आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट डे हम लोग, नेक्स्ट डे हमारा जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्लोज करेंगे चैप्टर को, चैप्टर को पूरी तरह खत्म करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये सर 720,000 आंसर हो गया फिर सर, 6 kW. नहीं नहीं, ये आपका आंसर है, एक एक टर्म्स में आपका आंसर कितना आया, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कन्वर्जन. आपका जूल में कितना आया? जूल में अभी तक आपका आया है
जूल में आपका आया है अभी तक 720, चार ठीक है इंटू थर्टी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 216 हो जाएगा इंटू 10 to the power 5 2.16 इंटू 10 to the power 7 क्लियर है ठीक है ठीक है विश्वास बिल्कुल सही 2.16 इंटू 10 to the power 7 जूल ये जूल में है और किलोवाट टावर में भी अलग हमने निकाला है अगले दिन किलोवाट टावर और जूल के बीच का रिलेशनशिप बताएंगे ठीक है कमर्शियल यूनिट कहते हैं उसको और इसी के साथ थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा क्लियर है चलिए किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आज होमवर्क भी देंगे आज ठीक है सेकंड एक्सरसाइज होमवर्क भी देंगे आज मॉड्यूल का सो इफ एनी डाउट प्लीज से नो सर चलिए ग्रेट हाँ पूछिए